Hello Bacho, let's read this question. The question says let g i defined for pi by eight to three pi by eight goes to r, comma, i is equal to one, comma two and f defined for pi by eight to three pi by eight goes to r be functions such that g1 x equals to one and g2x equals to four x minus pi comma mod and f x equals to sine square x for all x belongs to pi by eight to three pi by eight. आपका एक तो बेसिक इंटीग्रेशन है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी इसी तरीके से इसमें कुछ आपकी बेसिक टिक्नोमेटिक आइडेंटिटीज हैं जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपके पास कॉस टू एक्स होता है वो क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स यानी कि हम साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को ले जाएंगे तो वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू यानी कि ये आपके दो बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें एस वन फाइंड करना है तो यानी कि जो आपकी आई की जो वैल्यू होगी वो आपकी वन होगी तो हम क्वेश्चन पर आते हैं तो हमें एस वन फाइंड करना है तो एस वन क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन पाई बाई एट से थ्री पाई बाई एट एफ एक्स इन टू जी वन एक्स डी एक्स अब वन एक्स हमारे पास क्या है वन और एफ एक्स हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स तो एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन पाई बाई एट टू थ्री पाई बाई एट एफ एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे इन टू वन एक्स आपका वन हो गया था यानी कि ये डी एक्स हो गया अब हम एस वन को सॉल्व कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स का अभी हमने फार्मूला देखा था साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या आपका वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू तो हाफ तो आपका बाहर हो जाएगा तो पाई बाई एट से थ्री पाई बाई एट वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स एस वन इक्वल्स टू हाफ ऑफ अब वन का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है लिमिट हम पुट कर देंगे पाई बाई एट से थ्री पाई बाई एट माइनस कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स और डिवाइडेड बाई टू क्योंकि टू एक्स का भी हमें करना है लिमिट हम पुट कर देंगे फाइव बाई एट से थ्री पाई बाई एट तो एस वन का आंसर क्या आ गया आपके पास एस वन आप थ्री पाई बाई एट माइनस फाइव बाई एट करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू पाई बाई एट माइनस साइन टू एक्स यानी कि आप पहले थ्री पा बाई एट पुट करेंगे तो साइन थ्री पाई बाई एट इंटू टू यानी कि आपका साइन थ्री पाई बाई फोर हो गया माइनस साइन ऑफ यहां पे आपका पाई बाई एट यानी कि आपका ये पाई बाई फोर हो गया अपॉन टू ये आपका टू पाए बाई एट हो गया माइनस यहाँ पे आप देखें साइन थ्री पाई बाई फोर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वो होती है आपकी वन बाई रूट टू और साइन पाई बाई फोर भी आपका वन बाई रूट टू होता है तो आपका वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू कैंसल आउट हो गया ये जीरो हो गया यानी कि जीरो हो गया तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एस वन क्या हो गया आपके पास एस वन इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाफ ऑफ टू पाए बाई एट आपका एट टू जा सिक्सटीन हो गया सिक्सटीन एस वन और पाई को इधर ले जाएंगे तो पाई हो गया और यहाँ पे आपका ये टू हो गया तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो आपका टू है क्योंकि हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी सिक्सटीन एस वन अपॉन पाई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ